दोस्तों अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आधा आईपीएल हो गया है और आईपीएल के 40वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें आमने सामने खेलते हुए दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले राशिद खान और राहुल देवतिया में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 40वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें आमने सामने खेलती हुई नजर आईं, जिसमें गुजरात और हैदराबाद का शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम को आमंत्रित किया और सनराइजर्स के लिए कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और गुजरात की तरफ से नई गेंद मोहम्मद शमी ने ली और तीसरे ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका लगा और ओवर की पांचवी गेंद पर मोहम्मद शमी ने हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और विलियमसन 8 गेंदों पर 5 रन बना सके। और आपको बता दें कि शमी ने ओवरऑल T20 में विलियमसन को 6वीं बार पवेलियन भेज दिया, तो वहीं 5वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका लगा और इस ओवर में भारी ड्रामा देखने को मिला और शमी ये ओवर डालने के लिए आए और इस ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगा दिया और चौथे और पांचवीं गेंद पर त्रिपाठी ने लगातार 2 चौके लगाकर 14 रन बटोरे और ओवर की पांचवीं गेंद पर शमी की गेंद त्रिपाठी के बैटिंग पैड पर लगी और शमी और गुजरात के बाकी खिलाड़ियों की अपील को एम्पायर ने ठुकरा दिया और इसके बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रिव्यू ले लिया और रीप्ले में देखा कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी, तो वहीं फील्ड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और इस तरह राहुल त्रिपाठी आउट हो गए और राहुल 10 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बना सके और 11वें ओवर के बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट गंवाकर 96 रन बना लिए। फिलहाल एडन मार्करम 19 गेंदों पर 25 रन और अभिषेक शर्मा 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों के बीच में आपको बता दें कि तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हो चुकी है और बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 33 गेंदों पर आईपीएल करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया और उन्होंने राशिद खान की गेंद पर छक्का लगाकर 50 पूरी की, तो वहीं 16वें ओवर में 140 के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को तीसरा झटका लगा और अभिषेक शर्मा 42 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के भी लगाए और अभिषेक शर्मा को अल्जारी जोसेफ ने बोल्ड कर दिया और उन्होंने एडन मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 गेंदों पर 96 रनों की साझेदारी निभाई, तो वहीं 17वें ओवर के बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट गंवाकर 155 रन बना लिए और 17वें ओवर में 147 के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को चौथा झटका लगा और मोहम्मद शमी ने निकोलस पूरन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और पूरन 5 गेंदों पर 3 रन बना सके और इसी ओवर में एडम मार्करम ने छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने 35 गेंदों पर 50 लगाई और ये उनके आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक रहा और हैदराबाद की टीम ने 3 बॉल के अंदर ही 2 विकेट गंवा दिए और 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर यश दयाल ने एडम मार्करम को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया और मार्करम ने 40 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन की पारी खेली, तो वहीं 19वें ओवर की पहली बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर रन आउट हो गए और वो 4 गेंदों पर 3 रन बना सके और अंतिम ओवर में लॉकी फर्गुसन को मार्को जेंसन के द्वारा 1 छक्का, तो वहीं अंतिम 3 गेंदों पर शशांक सिंह के द्वारा 3 छक्का और 25 रन बटोरे और इसी के साथ ही हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 195 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना लिए, जिसमें मोहम्मद शमी ने 3 और यश और जोसेफ ने 1-1 विकेट लिया, तो वहीं गुजरात की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो गुजरात की बेहतरीन शुरुआत देखने को मिली, लेकिन 8वें ओवर में 69 के स्कोर पर गुजरात राइडर्स को पहला झटका लगा और तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया और शुभमन 24 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बना सके और वहीं हैदराबाद की तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक का कहर देखने को मिला और उन्होंने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके कप्तान हार्दिक पांड्या को भी पवेलियन भेज दिया और उन्होंने पांड्या को मार्को जेंसन के हाथों कैच आउट करा दिया और हार्दिक 6 गेंदों में 10 रन बना सके, तो वहीं 11वें ओवर में गुजरात राइडर्स ने 2 विकेट गंवाकर 96 रन बना लिए और रिद्धिमान साहा ने आईपीएल करियर का 9वां अर्धशतक जड़ दिया और उन्होंने 28 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा, तो वहीं 14वें ओवर में 122 के स्कोर पर उमरान मलिक ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर दिया और उमरान ने ये गेंद 153 की गति से फेंकी थी और ये यॉर्कर को रिद्धिमान साहा पढ़ नहीं सके और आउट हो गए और आउट होने से पहले साहा ने 38 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 68 रन की बेहतरीन पारी खेली और उमरान को मिली ये तीसरी सफलता और 16वें ओवर में उमरान मलिक
का कहर देखने को मिला और उन्होंने इस ओवर में पांचवी गेंद पर डेविड मिलर और आखिरी गेंद पर अभिनव मनोहर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया, जिसमें मिलर 19 गेंदों पर 17 रन और मनोहर शून्य पर आउट हो गए और उमरान ने इस मैच में 5 विकेट झटके, जो कि आईपीएल में उनका पहला 5 विकेट का स्पेल था। और उमरान ने 4 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट झटके, तो वहीं अंतिम 3 ओवर में 47 रनों की आवश्यकता थी और राशिद खान और राहुल तेवतिया ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी करी और तेवतिया ने 21 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली और दूसरी तरफ राशिद खान 11 गेंदों में 31 रन 4 छक्के की मदद से बनाए और अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 छक्के जड़ दिए और मुकाबले को अंतिम ओवर में 22 रनों की आवश्यकता थी। तो आपको बता दें कि छक्के के साथ ही मुकाबले को अंतिम गेंद पर राशिद खान ने खत्म कर दिया और रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने 25 गेंदों पर 59 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की बदौलत जीत दर्ज करी और इसके विपरीत हैदराबाद की टीम की तरफ से उमरान मलिक ने 5 गेंदों पर 5 विकेट हासिल। दोस्तों, इस मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।